हेलो गाइस, वेलकम टू ए भारद्वाज क्लासेस। मैं आशय भारद्वाज आपको ए भारद्वाज क्लासेस में लाइव प्रोसेस का चौथा नंबर लेक्चर के थ्रू पढ़ाने जा रहा हूँ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है आइए देखते हैं। एक्सक्रीशन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म रिमूव हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। यानी कि एक्सक्रीशन सिंपली एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारा वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के बाहर निकलता है। एक्सक्रीशन का दो टाइप होता है, पहला हो गया एक्सक्रीशन इन प्लांट और दूसरा हो गया एक्सक्रीशन इन एनिमल। एक्सक्रीशन इन एनिमल में हमारा ह्यूमन भी आता है जिसको हमको डिटेल में पढ़ना है। प्लांट्स के बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है, वो सिंपल प्रोसेस होता है। और एनिमल में सबसे वास्ट जो होता है वो कॉर्डेट्स का होता है, यानी कि हम लोग का ह्यूमन बींग का, उसको हमें अच्छा से डिटेल में पढ़ना है। तो वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या ऑब्टेन होता है हमारे शरीर में या फिर प्लांट्स के शरीर में यानी प्लांट बॉडी में, वो हम समझते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट क्या क्या रहता है, उसका यूनिट क्या रहता है। तो पहला रहता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड, यानी कि नाइट्रोजन रिच्ड कंपाउंड, जैसे कि हो गया हमारा अमोनिया। इसी के साथ दूसरा नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और प्लस में ऑक्सीजन भी रहता है क्योंकि ऑक्सीजन भी लिबरेट किया जाता है प्लांट्स के थ्रू, ठीक है। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट में आता है एक्सेस साल्ट और विटामिन्स। विटामिन्स वैसा विटामिन्स रहता है जो हमारे शरीर या फिर प्लांट्स बॉडी ऑब्जॉर्ब यानी कि एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, उसी को हम विटामिन्स, वो भी एक्सेस विटामिन्स बाहर निकलता है हमारा एक्सक्रीशन के थ्रू। एक्सक्रीशन का मेन थ्री प्रोडक्ट है जो कि बाहर निकलता है, वो है नाइट्रोजनस कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एक्सेस साल्ट एंड विटामिन। नाइट्रोजनस कंपाउंड में आपका यूरिक एसिड, यूरिया एंड अलग अलग चीज़ आता है, उसके बारे में अच्छे से डिटेल में समझेंगे। उसके थ्रू सबसे पहले हम समझते हैं प्लांट में, तो एक्सक्रीशन इन प्लांट्स चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्रीशन इन प्लांट, प्लांट का बॉडी में कोई एक्स्ट्रा मतलब कि स्पेशल ऑर्गन नहीं रहता जो कि एक्सक्रीशन में काम आता है। एक्सक्रीशन उसका मेनली जो भी पार्ट में जैसा भी वर्क हुआ वो वेस्ट प्रोडक्ट बना वो उसी पार्ट से निकल जाता है। जैसे कि गैसियस पार्ट से, गैसियस पार्ट हमारा स्टोमाटा में बनता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो वो जो गैसियस पार्ट में वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो CO2 और O2 रहता है, वो हमारा स्टोमाटा के थ्रू बाहर निकलता है डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू। तो CO2 और O2 निकलता है दोनों। अब CO2 और O2 क्यों निकलता है, क्योंकि दिन में प्लांट जो बॉडी रहता है वो ऑक्सीजन देता है और रात में वह कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। तो हमारा ये CO2 और O2 दोनों वेस्ट प्रोडक्ट बनता है जो कि एटमॉस्फेयर में रहता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लिक्विड पार्ट। लिक्विड वेस्ट जो रहता है प्लांट का वो एलिमिनेटेड रहता है रूट से, रूट एंड द वॉक्यूल ऑफ एजिंग लीफ। एजिंग लीफ और रूट्स के थ्रू वो लिक्विड पार्ट को लिबरेट करता है। पहले वो रूट के थ्रू मतलब कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बना रूट के थ्रू वह स्टोर कर देगा, ज़मीन में चल जाएगा, सॉयल में चला जाएगा। और कुछ कुछ होता है एजिंग लीफ का वॉक्यूल के अंदर, एजिंग लीफ वॉक्यूल इन द सेंस कि जैसे कि कोई पत्ता हम तोड़े और उससे वाइट वाइट कुछ निकलता है, वो जो वाइट वाइट निकलता है वो कुछ और नहीं रहता है, वो एक लिक्विड वेस्ट रहता है जो कि हमारा रहता है, जैसे कि गम्स, गम्स हो गया चिपचिपा पदार्थ। और कुछ कुछ यूज़फुल वर्क हुआ जैसे कि सैंडलवुड ऑयल और मान का पत्ता में जो तेल बनता है वो, यानी कि क्लैपस ऑयल, ठीक है। उसके बाद हम आता है सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो रहता है वो एलिमिनेटेड होता है फ्रॉम ओल्ड जाइलम, ओल्ड जाइलम और डेड सेल में वह एलिमिनेटेड होता है, वह स्टोर रहता है। और स्टोर होने के बाद वह जब हम उसे हटाते हैं तो वह काम का चीज़ रहता है, जैसे कि हमारा हो गया रबर और ग्रेफाइट्स, ये नेचर में प्रेजेंट रहता है स्टोर इन अ फॉर्म। आप देखे होंगे बड़े बड़े पेड़ में छिलका के ऊपर जो है अलग अलग लिक्विड जैसा कुछ रहा, चिपचिपा पदार्थ, वो कुछ और नहीं यही रहता है। उसके बाद हम देखेंगे एक्सक्रीशन जो होता है सॉलिड वेस्ट में वो रैफिड्स और रबर रहता है। रैफिड्स हो गया जो कि ओनियन का आउटर कवर भी रहता है, वो भी रैफिड्स से बना रहता है। और रबर, रबर एक इलास्टिसिटी मटेरियल हो गया वो हम जानते हैं, वो भी हमारे प्लांट का वेस्ट प्रोडक्ट है जो कि हमारे लिए यूजफुल है पर उसके लिए वेस्ट प्रोडक्ट है, ठीक है। हम तीन वेस्ट प्रोडक्ट जान चुके हैं। चौथा है एक्सेस वाटर को वो लिबरेट करता है। एक्सेस वाटर वो लिबरेट करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो एटमॉस्फेयर में रहता है। ये जो एक्सेस वाटर रहता है वो स्टोमाटा के थ्रू जो होता है ओपन पोर्स के थ्रू हो जाता है। तो ट्रांसपिरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि हमारा लेक्चर नंबर 3 है, लेक्चर 3 में बच्चा जानते हैं ट्रांसपिरेशन वो कैसे जाइलम फ्लोएम वर्क करता है, वो इसी के थ्रू रहता है। प्लांट की प्लांट जो है मेनली चार तरह का चीज़ को लिबरेट करता है। पहला हो गया गैसियस वेस्ट, हो गया CO2 और O2, दूसरा हो गया लिक्विड वेस्ट, हो गया गम्स, सैंडलवुड और क्लैपस ऑयल। उसके बाद आ गया सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट आ गया आपका रैम्फिक्स और रबर। उसके बाद एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू करता है। दैट्स ऑल, ये हो गया हमारा एक्सक्रीशन इन प्लांट। अब आगे देखेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन और एक्सक्रीशन इन एनिमल। एक्सक्रीशन इन एनिमल में कुछ ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हमें प्लांट्स मतलब कि ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, वो ह्यूमन को अच्छे से
एक्सक्रीशन इन एनिमल में तरह तरह का एनिमल के बारे में तो उतना डिटेल से हमको नहीं पढ़ना है, मेनली हमको ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है। तो कुछ कुछ जो एनिमल्स है जो कि हमें जानना जरूरी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है अमीबा, पहला एनिमल जो कि यूनिसेलुलर है। ये इसका सेलुलर सर्फेस के थ्रू इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके लिए जो वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है ये CO2 और अमोनिया बनाता है। उसके बाद हमारे दूसरे नंबर पे आता है हाइड्रा। हाइड्रा जो है वो बॉडी सरफेस के थ्रू एक्सक्रीट करता है और उसका भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है CO2 और अमोनिया, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है फ्लेटवर्म। फ्लेटवर्म जो होता है फ्लेटवर्म वो फ्लेम सेल के थ्रू अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकालता है। उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट उसका जो बनता है वो मेनली अमोनिया बनता है, ठीक है। मेनली जो हम ये समझते हैं कि वाटर में जो भी बॉडी रहती है एनिमल बॉडी, वो उसका एक्सक्रीशन प्रोडक्ट जो रहता है वो मेनली अमोनिया रहता है। ये सब हम जानते हैं कि ये जितना भी ऑर्गन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है एक्सक्रीशन करता है वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड रहता है। आगे एक्सक्रीशन में देखेंगे हम अर्थवर्म। अर्थवर्म में जो होता है वो नेप्थेडिया के थ्रू होता है एक्सक्रीटरी ऑर्गन। नेप्थेडिया जो होता है उसके शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। जैसे हमारे शरीर में किडनी सिर्फ दो ही हैं, वो भी हमारे बैक एब्डोमेन के पीछे, तो ये जो नेप्थेडिया है उसके शरीर में अनगिनत है, यानी कि लार्ज नंबर में है, हम उसे गिन नहीं सकते। ऐसे भी उसका पैर को हम गिन नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रहता है। नेप्थेडिया भी उसके शरीर में बहुत ज़्यादा रहता है। उसका हेड का अलग नेप्थेडिया, चेस्ट का अलग नेप्थेडिया, फिर टो का अलग, यानी कि हर एक ऑर्गन का उसका अलग अलग नेप्थेडिया रहता है। वो अलग अलग नेप्थेडिया के थ्रू ही एक्सक्रीट करता है, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालता है। मेनली जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट बनता है अर्थवर्म के थ्रू वो होता है अमोनिया और यूरिया। तो अमोनिया और यूरिया ये दोनों चीज़ निकालता है, ये दोनों अलग अलग टाइम में निकालता है। अमोनिया वो तब निकालता है जब वो पानी में रहेगा, और वो यूरिया तब निकालेगा जब वो ज़मीन पे रहता है। बेसिकली प्लांट मतलब कि जितना भी बॉडी होता है वो एक्सक्रीशन जो करता है तो उसका एक्सक्रीशन सॉलिड लिक्विड गैस में रहता है। और ये जो हमारा जो एक्सक्रीशन प्रोडक्ट बन रहा है यानी कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, वो बनता है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, यानी कि नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड। अमोनिया तब बनेगा जब वो पानी में रहेगा, कोई भी बॉडी जब पानी में रहेगा वो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद यूरिया का फॉर्मेशन लैंड वाले करेंगे और यूरिक एसिड जो ऊर्जे वाले जीव है वो करते हैं। देखते हैं कॉकरोच अगला है। कॉकरोच एक मेलफिलियन ट्यूब के थ्रू करता है एक्सक्रीशन। उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो कि कलेक्ट करता है मेलफिलियन ट्यूब में, और मेलफिलियन ट्यूब के थ्रू वह जो फॉर्मेशन करता है वो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। होप आप क्लियर हुए इस विषय में। कॉर्डेट्स जो होता है वो कंसिस्ट करता है ह्यूमन, बर्ड और मैमल्स का। कॉर्डेट्स का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है किडनी। किडनी हमारे शरीर में भी पाया जाता है जो कि दो रहता है, हम जानते हैं बीन शेप्ड। इसके बारे में अच्छे से डिटेल में हम जानेंगे। इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है वो यूरिया बनता है। हमारे शरीर में यूरिया का फॉर्मेशन होता है जो कि अमोनिया का यूटिलाइज करता है, कन्वर्ट करता है यूरिया में, क्योंकि अमोनिया एक टॉक्सिक मटेरियल रहता है। वाटर बॉडीज भी अगर उसे एक्सक्रीट करता है वो बहुत टॉक्सिक रहता है। अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए हमें ज़्यादा मात्रा में पानी चाहिए। एक लीटर मतलब कि एक ग्राम अमोनिया को अगर हमें एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है, तो उसके लिए हमें 100 लीटर पानी की ज़रूरत है। उसी तरह यूरिक एसिड का फॉर्मेशन के लिए हमें कम पानी चाहिए और यूरिया के लिए हमें और कम पानी चाहिए। अब देखते हैं आगे। तो चलिए अब देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग। एक्सक्रीशन जो ह्यूमन बींग में होता है वो मेनली जो होता है वो किडनी के थ्रू होता है, पर उसमें एक जो हेल्पिंग ऑर्गन सब भी रहता है जो कि हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में मदद करता है, जैसे कि लंग्स। लंग्स में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का रिमूवल होता है, जो एक्सेस मात्रा में रहता है CO2 उसको निकालने में हमारा लंग्स मदद करता है। फिर हम जानते हैं लीवर के बारे में। लीवर क्या करता है, वो ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन करता है। प्रोटीन का ब्रेकडाउन इन अ सेंस वो यूरिया और यूरिक में उसको तोड़ता है, यूरिक यानी कि यूरिक एसिड में। लीवर का काम मतलब कि अमोनिया को तोड़ने का भी लीवर का ही काम होता है। उसके बाद हम जानते हैं स्किन का। स्किन हमें पसीना के थ्रू हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो निकालता है और साल्ट्स के उसमें मिक्स करके निकालता है, यानी कि स्किन का भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। ये तीनों हमारा हेल्पिंग ऑर्गन हो गया जो कि हमारा किडनी का मदद करता है एक्सक्रीशन में। अब किडनी जो कि मेन ऑर्गन है उसका मेन काम यही रहता है कि वो फिल्टर करता है ब्लड। ब्लड को फिल्टर करता है फ्रॉम यूरिन। यूरिन क्या हुआ, यूरिन हो गया एक्सेस साल्ट H2O और यूरिक एसिड का कॉम्बिनेशन को हम यूरिन बोलते हैं। ये जो किडनी होता है अगर ये काम ना करे तो हमारे शरीर कोई काम कर नहीं। ऐसे हम जानते हैं किडनी दो गो रहता है हमारे शरीर में, जो हमारे पीठ के पीछे में रहता है, ठीक है।
ये जो स्किन, लीवर और लंग्स, ये तीनों में से अगर कोई ऑर्गन काम नहीं भी करता है प्रॉपरली, तो हमारा किडनी अगर काम करता है प्रॉपरली तो ये इन तीनों को वो मैनेज कर सकता है, क्योंकि किडनी के पास इतना पावर है कि वो जितना भी हमारे शरीर में एक्सक्रीशन होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, उसको कलेक्ट करता है अपने में, प्योरीफाई करता है ब्लड को, और ब्लड को प्योरीफाई करके वापस भेज देता है ब्लड वेसल्स के थ्रू, और जो है हमारा जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसको आगे ट्रांसफ़र करता है। वो क्या करता है, किडनी का वर्क कैसे है, वो कैसे ब्लड में फ्लो करता है ऊपर और जो है वेस्ट प्रोडक्ट को नीचे भेजता है, चलिए वो एक डायग्राम के थ्रू उसको समझते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपको डायग्राम वहाँ दिख रहा है। सबसे पहला पार्ट है किडनी। किडनी क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम यूरिन, जैसा हम पहले बता चुके हैं। इसका जो कलर होता है वो होता है रेड और ब्राउनिश कलर में मिक्सचर, ठीक है। इसका शेप रहता है बीन शेप, बीन शेप्ड बोले तो कुछ ऐसा शेप, यानी कि इसका जो शेप रहता है वो क्लियरली बोले तो हम राजमा की तरह रहता है, ठीक है। इसके बाद इसका वेट जो है ये 125 से 170 ग्राम रहता है, और इसका साइज जो है वो 10 सेंटीमीटर लेंथ, 5 सेंटीमीटर ब्रेथ और 3 सेंटीमीटर हाइट रहता है, यानी कि विड्थ रहता है। टोटल बोले तो ये 12 सेंटीमीटर का उसका साइज रहता है। इसका पोजीशन को हम बात करें तो ये बैक साइड रहता है एब्डोमिनल कैविटी का, जो कि हमारा बोथ साइड ऑफ वर्टिब्रेट कॉलम के दोनों तरफ रहता है, ठीक है। इट कंटेंस मिलियन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन क्या होता है, नेफ्रॉन एक यूनिट हो गया जो कि किडनी के अंदर पाया जाता है। किडनी के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ नेफ्रॉन पाया जाता है। नेफ्रॉन का काम रहता है कि वह ब्लड को प्यूरीफाई करता है और यूरिन का फॉर्मेशन करता है। नेफ्रॉन और न्यूरॉन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आता है। न्यूरॉन हमारा CNS हो गया, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट हो गया। वो नर्व सिस्टम का पार्ट हुआ, वो ब्रेन में पाया जाता है और उसका जो है रिपीटेशन भी होता है। जबकि ये जो नेफ्रॉन है ये हमारे जन्म से भी जितना रहता है उतना ही मिलता है हमें। ये डेड हो सकता है पर ये बढ़ता नहीं है। इसके लिए हमें आर्टिफिशियल किडनी लगाना पड़ता है अगर हमारे नेफ्रॉन की संख्या कम गई या ये काम करना बंद कर दिया तो, यानी कि नेफ्रॉन हमारा रिजेनरेट नहीं हो सकता, न्यू फॉर्मेशन नहीं हो सकता, जबकि न्यूरॉन जो है हमारा वो ब्रेन में पाया जाता है। अब हम देखेंगे किडनी के जो आगे पीछे जो काम करता है उसके बारे में, यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का वर्क जो प्रोसेस करवाता है, किडनी का जो प्रोसेस करवाता है उसके बारे में। पहला है रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी का काम होता है किडनी के अंदर ब्लड देना। शरीर के बाहर से ब्लड लाएगा जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो, और वेस्ट मटेरियल भी रहेगा उसको प्यूरीफाई करने के लिए किडनी को देगा। ये काम है रीनल आर्टरी का। ये जो है अरोटा यानी कि रेड कलर का है, उससे कनेक्टेड रहता है पाइप। ये जो रीनल आर्टरी है ये कॉन्स्टेंटली ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड टू द किडनी, ठीक है। इसका संख्या जो होता है वो दो रहता है, लेफ्ट और राइट, दोनों के लिए अलग अलग रहता है पर दोनों का काम एक ही है। वो किडनी को ब्लड सप्लाई करता है फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर आता है रीनल वेन। जब हमारा खून किडनी के द्वारा ये हो जाता है, प्यूरीफाई हो जाता है, वेस्ट मटेरियल अलग हो जाता है, तो ये रीनल वेन का काम आता है कि वह यूज़फुल मटेरियल, यूज़फुल न्यूट्रिशन को ट्रांसफर बैक इनटू द ब्लड स्ट्रीम में उसको वापस डाल देते हैं। इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड और यूज़फुल न्यूट्रिशन कैरी होता है। ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है ये वापस से स्ट्रीम में चल जाता है, यूज़फुल न्यूट्रिशन वापस से शरीर का काम करने के लिए रुक जाता है, ठीक है। ये कनेक्टेड होता है वेना कावा से। वेना कावा जो हो गया ये ब्लू कलर का होता है, जो कि रीनल वेन्स कलेक्ट करता है यूज़फुल न्यूट्रिशन, उसके बाद ये वेना कावा को दे देता है। ब्लड इसके अंदर रहता है क्योंकि ब्लड के थ्रू ही कोई भी सर्कुलेशन वर्क करता है ह्यूमन बींग के अंदर। यूरेटर का। यूरेटर जो है एक ट्यूब है जो कि अराइजेज होता है किडनी से, और किडनी से अराइजेज होने के बाद ये कैरी करता है यूरिन, जो कि यूरिन हमारा ब्लड से अलग हो चुका है तो ये यूरिन को कैरी करता है और कलेक्ट करता है ब्लैडर तक ले जाता है। ये एक पाइप हो गया, ट्यूब हो गया, जो कि अराइजेज फ्रॉम ईच किडनी, दोनों किडनी से अराइज होता है और कैरी यूरिन टू द ब्लैडर। ब्लैडर क्या हुआ, यही यूनरी ब्लैडर। यूनरी ब्लैडर वैसा ब्लैडर, दिस इज अ मस्कुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर वेयर यूरिन इज स्टोर अंटिल इट फ्लो आउट। यूनरी ब्लैडर में जितना भी यूरिन होता है वो कलेक्ट होता है जब तक कि हमारा CNS सिग्नल देता है, हाँ भर चुका है इसको बाहर निकालो, तो तब तक ये यूनरी ब्लैडर में सारा यूरिन को स्टोर होता है। उसके बाद आता है यूथ्रा। यूथ्रा इज अ ट्यूब दैट कैरी यूरिन फ्रॉम द यूनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। यूथ्रा वैसा ट्यूब हो गया जिसके थ्रू हमारा जो यूरिन है वो हमारे बॉडी से बाहर निकलता है यूनरी ब्लैडर से, ठीक है। होप आप समझे होंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अगर आपको एग्जाम में ये चीज़ आता है तो आप ये चीज़ बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, और यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा बस डिटेल नहीं, थोड़ा सा बस जानेंगे नेफ्रॉन के बारे में, उसके आगे हम ये चैप्टर फिनिश होता है। अब देखते हैं नेफ्रॉन के बारे में। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर वहाँ पर दिया हुआ है,
देखते हैं नेफ्रॉन क्या होता है। तो नेफ्रॉन इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट है उसी को हम नेफ्रॉन बोलते हैं। हर नेफ्रॉन का अपना अपना काम होता है, वो होता है इक्वल अमाउंट ऑफ यूरिन को अलग करना ब्लड से। ईच नेफ्रॉन फंक्शन इंडिपेंडेंटली प्रोड्यूसेस अ क्वांटिटी ऑफ यूरिन विच फिल्टर फ्रॉम ब्लड। अब ये जो इसका साइज होता है ये होता है 3 सेंटीमीटर लॉन्ग और इसका डायमीटर होता है 20-30 डायमीटर, ठीक है। इसका 20-30 सेंटीमीटर होता है, यहाँ लिखना भूल गए, ठीक है। ये हो गया नेफ्रॉन। अब हम आगे देखेंगे किडनी डायलिसिस यानी कि किडनी फेल्यूर। अब देखते हैं रीनल फेल्यूर यानी कि किडनी फेल्यूर। रीनल का मतलब होता है किडनी, ठीक है। टेक्नोलॉजी फॉर सर्वाइवल हो गया, आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू हम सर्वाइव कर सकते हैं, या फिर ट्रांसप्लांट ऑफ किडनी। तो ट्रांसप्लांट तभी होगा जो कि हमारा रिलेशन में रहेगा कोई आदमी, तो उसी का किडनी हमारा शरीर जो है उसको मतलब कि रिजेक्ट नहीं करेगा, नहीं तो पता चला दूसरा का किडनी लगा दिया, रिजेक्ट कर दिया शरीर और हम मर गए। तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है ये दूसरा ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है, हीमोडायलिसिस। यहाँ पे फिगर दिखाया गया ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, यहाँ बताया है। तो ये जो क्या करता है आर्टिफिशियल किडनी में क्या होता है ना कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो भी रहता है हमारे शरीर में सारा ब्लड को एक ट्यूब के थ्रू एक बाहर बॉक्स में निकाला जाता है और उसी बॉक्स से वापस से प्योर करके उसे शरीर के अंदर वही पॉइंट से डाल दिया जाता है। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट का कलेक्शन करके उसको बाहर निकाल देता है और प्योर ब्लड को फिर वापस शरीर में डाल देता है। ये जो किडनी है उसका शेप्ड बीन रहता है और यही दैट्स ऑल आवर किडनी एंड एक्सक्रीशन इन ह्यूमन होप यूज लाइक लाइफ प्रोसेस यहीं पे अब समाप्त होता है। थैंक यू।